हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, देश भर में जन्माष्टमी का त्यौहार बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन जन्माष्टमी मनाई जाती है और इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को है। आज मैं आपको बताऊंगी कि भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग क्यों लगाया जाता है। साथ में बताऊंगी जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त और महत्व। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक खास बात। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल को अपना प्यार देते रहिएगा, यह आपका अपना चैनल है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बार जन्माष्टमी 30 अगस्त सोमवार को मनाई जा रही है, वहीं कुछ लोग 31 अगस्त को भी जन्माष्टमी मनाएंगे। महीने भर में, मतलब इस महीने में पहले से ही लोग जन्माष्टमी की तैयारियों में जुट जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की कई झांकियां बनाई जाती हैं। अष्टमी के दिन जन्मे भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस की खुशी में व्रत भी रखते हैं। रात को 12 बजे तक जागकर भगवान की वंदना और स्तुति की जाती है। कई जगह भगवान के जन्मोत्सव पर जागरण भी किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि रात को 12 बजे भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग जरूर लगाया जाता है। वहीं कई जगह पर भगवान के लिए 56 भोग तैयार किए जाते हैं। घर में बने मंदिरों को गुब्बारे, फूलों और लाइट से सजाया जाता है। वहीं मंदिरों की शोभा भी देखने लायक होती है। घरों और मंदिरों में कान्हा जी के लिए पालना यानी कि झूला भी सजाया जाता है, जिस पर लड्डू गोपाल को नई पोशाक, गहने आदि से सजाकर बिठाया जाता है। इस दिन कान्हा जी को झूला झुलाने की भी मान्यता है, यानी कि रात के बाद 12 बजे जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का जन्मदिवस मनाया जाता है वैसे ही भगवान श्री कृष्ण को झूला भी झुलाया जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी का शुभ मुहूर्त क्या है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी तिथि 30 अगस्त को है और अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 29 अगस्त रात्रि के 11:25 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 31 अगस्त सुबह 1:59 पर। रोहिणी नक्षत्र शुरू होगा 30 अगस्त सुबह 6:39 पर और रोहिणी नक्षत्र समाप्त होगा 31 अगस्त सुबह 9:44 पर। निशित काल का समय है 30 अगस्त रात्रि के 11:59 से सुबह के 12:44 तक और अभिजीत मुहूर्त है सुबह के 11:56 से रात्रि के 12:47 तक। गोधूली मुहूर्त है शाम के 6:32 से शाम के 6:56 तक। आइए जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को माखन मिश्री का भोग क्यों लगाया जाता है। दोस्तों, जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के जन्म के समय यानी कि रात्रि के 12 बजे उन्हें सबसे पहले माखन मिश्री का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण को सफ़ेद मक्खन बहुत पसंद है। उनकी यशोदा मैया उन्हें रोज़ माखन मिश्री खिलाया करती थी। इन रीति रिवाजों को मानते हुए जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी के जन्म की खुशी में भक्त माखन मिश्री का भोग तैयार करते हैं और माखन मिश्री का भोग बहुत ही जल्दी और आसानी से भी बन जाता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, बस सफ़ेद मक्खन में मिश्री के दाने मिलाकर कान्हा जी को भोग लगाते हैं।
और यह प्रसाद सभी भक्तों में भी बांटा जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।